आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान था। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। जोनाथन उस कब्रिस्तान में बनी हुई झोपड़ी में इस समय लेटे हुए करवटे बदल रहा था। वैसे तो जोनाथन को इस समय तक नींद आ जाती थी, मगर पता नहीं क्यों आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे तो रात के सन्नाटे जोनाथन को हमेशा डराने में नाकामयाब रहे थे, मगर आज जोनाथन को पता नहीं क्यों उस कब्रिस्तान की रात की खामोशी किसी होने वाली अनजान आशंका की अनुभूति का एहसास करा रही थी। कब्रिस्तान के पेड़ों पर बैठे पक्षियों और उल्लू के हल्की सी पंखों के फड़फड़ाने से जोनाथन अचानक चौंक कर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आता और दहशत भरी नजरों से इधर उधर देखने लगता। ऐसा करते हुए जोनाथन को काफी देर हो चुकी थी कि तभी अचानक उस रात की चुप्पी को किसी लड़की के खिलखिलाने की आवाज ने तोड़ दिया। कड़कड़ाती हुई सर्दी में जोनाथन का शरीर पसीने से नहा उठा और वो अपनी टॉर्च की रोशनी से कब्रिस्तान में इधर उधर देखने लगा। तभी जोनाथन के कानों में किसी महिला के भयानक चीख की आवाज टकराई। जोनाथन को अपना दिल बाहर निकलता हुआ सा महसूस होने लगा। जोनाथन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके सामने बड़ी तेजी से निकलकर कब्रिस्तान में सालों से मौजूद उस घने पेड़ के पास जाकर गायब हो गया हो और अचानक फिर से कब्रिस्तान चीखों से गूंज उठा। उसके बाद जोनाथन को कुछ भी होश नहीं रहा। अगली सुबह जोनाथन की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली। जोनाथन अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ता हुआ कब्रिस्तान का गेट खोलकर बाहर निकल गया। उसने देखा कब्रिस्तान के गेट के बाहर डैनियल खड़ा हुआ था। डैनियल का घर कब्रिस्तान के घर के बगल में ही था। जोनाथन कभी कभार डैनियल के घर चाय पीने या खाना खाने के लिए चला जाता था। तभी डैनियल बोला, क्या हुआ जोनाथन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर जोनाथन बोला, कल रात कब्रिस्तान में मुझे कुछ अजीब सा डरावना महसूस हो रहा था। इस पर डैनियल बोला, डर? कैसा डर? इस पर जोनाथन बोला, मुझे कब्रिस्तान में चौकीदारी करते हुए 20 साल से ऊपर हो गए, मगर साहब ऐसा कभी नहीं हुआ जो कल रात हुआ। इस पर डैनियल बोला, आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ? इस पर जोनाथन डैनियल के और ज्यादा करीब आ गया और बहुत ही आहिस्ता से बोला, क्या आपको कल रात दिल दहला देने वाली अजीब चीख सुनाई नहीं थी? इस पर डैनियल बोला, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा जोनाथन। इस पर जोनाथन बोला, नहीं साहब, कल रात कब्रिस्तान में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद था। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आपसे कहा था साहब कि वो अमावस की रात है, उस रात वो सब नहीं करना चाहिए था। इस पर डैनियल बोला, आज रात कब्रिस्तान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना बोलकर डैनियल अपने घर की ओर चला गया और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात के करीब 10 बजे वो धीरे धीरे कदमों से कब्रिस्तान के अंदर चला गया। कब्रिस्तान में जोनाथन शायद उसी का इंतजार कर रहा था। जोनाथन डैनियल के साथ उसकी झोपड़ी के अंदर एक चारपाई पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ दहशत के साए भी लहरा रहे थे। वो दोनों खामोशी से बैठे हुए जमीन को देखे जा रहे थे। आज भी रात ने एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई थी। तकरीबन 1 बजे के आसपास कब्रिस्तान फिर से चीखों की आवाजों से गूंज उठा। डैनियल बड़ी फुर्ती से झोपड़ी से बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि उसके कान में कोई लड़की के खिलखिलाकर भागी हो। डैनियल पागलों की तरह आवाज की दिशा में टॉर्च लेकर दौड़ने लगा। उसके कदम उस घने पेड़ के पास जाकर रुक गए। वो बेहद फुर्ती से टॉर्च की रोशनी से पेड़ के नीचे बनी उस कब्र को देखने लगा जो 2 दिन पहले ही बनी थी। अचानक उस घने पेड़ के अंदर से 2 बड़े बड़े चमगादड़
और लंबे लंबे पंख फड़फड़ाते हुए डैनियल के इर्द गिर्द मंडराने लगे। डैनियल के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। डैनियल डर से कांपता हुआ जोनाथन की झोपड़ी की ओर भागा और बड़ी फुर्ती से झोपड़ी के अंदर घुस गया। डैनियल बुरी तरह से हांफ रहा था। जोनाथन डैनियल को दहशत भरी निगाहों से उसकी ओर देखे जा रहा था। तभी डैनियल बोला, तुम सही कह रहे थे जोनाथन, वो चीख है वही है, मैं इन चीखों को कभी नहीं भूल सकता। इस पर जोनाथन बोला, तो अब क्या होगा साहब? इस पर डैनियल बोला, हमें इसी वक्त उन कब्रों को वहां से निकालना होगा, उन दोनों कब्रों को। इस पर जोनाथन बोला, लेकिन साहब उससे क्या होगा? फिर से डैनियल बोला, मुझे नहीं पता, मैं आज रात उन दोनों को दूसरे कब्रिस्तान में गाड़ आऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। जोनाथन ना चाहते हुए भी डैनियल के साथ फावड़ा लेकर उस घने पेड़ के नीचे बनी कब्र के करीब चला गया और कांपते हुए हाथों से उस कब्र पर फावड़ा चलाने लगा। जोनाथन ने कुछ ही देर फावड़ा चलाया होगा कि तभी उसके कानों में डैनियल की एक दर्दनाक चीख टकराई। जोनाथन ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने का मंजर देखकर वो बुरी तरह से हिल गया। उसने देखा एक बेहद भयानक दिखने वाली महिला डैनियल का गला दबाए हुए थी। डैनियल की आंखें बाहर की ओर निकली जा रही थी। जोनाथन बुरी तरह से चीखने लगा। उसके कदम बाहर की ओर भागने ही वाले थे कि तभी उसके पैर किसी ने पकड़ लिए। जोनाथन ने देखा कि उसके पैर किसी और ने नहीं बल्कि एक अजीब से दिखने वाली 15 साल की लड़की ने पकड़ रखे थे, जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली थीं। उस लड़की ने जोनाथन का पैर जड़ से उखाड़ दिया। जोनाथन एक चीख के साथ वहीं पर गिर गया। उसने देखा उस भयानक महिला ने डैनियल की गर्दन उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दी। डैनियल एक चीख के साथ उस कब्र के ऊपर गिर गया। अचानक वो महिला और लड़की गायब हो गए। जोनाथन अपने कटे हुए पैर के साथ कहराता हुआ बेबसी से इधर उधर देखे जा रहा था कि तभी कब्र के अंदर से 4 हाथ निकले और डैनियल के शरीर को खींचते हुए अंदर की ओर ले गए। कुछ ही क्षणों के बाद जोनाथन के साथ भी वही हुआ और कब्रिस्तान में एक अजीब सी चुप्पी छा गई, मानो कि वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। आज से लगभग 1 महीना पहले डैनियल ने एक विधवा औरत से शादी की और उसकी एक 15 साल की बेटी भी थी। उसका पति एक बुरे हादसे में मारा गया और वो बहुत अमीर आदमी था, मगर डैनियल ने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की थी। उसने उस औरत को ये पता नहीं लगने दिया था कि वो पहले से शादीशुदा है, मगर सच कहाँ छिपता है। एक दिन उस बेचारी को पता चल ही गया। उसने कोर्ट जाकर केस करने का फैसला किया, मगर तभी डैनियल ने उसे जान से मार डाला और क्योंकि उसकी बेटी ने भी ये सब देख लिया था तो डैनियल ने उसके साथ भी वही किया और जोनाथन ने भी इसमें उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर उन दोनों लाशों को रातों रात कब्रिस्तान में दफना दिया और आज उसी के कर्मों की सजा दोनों को मिल ही गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 11 बज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, ठंडी सी सनसनी हवा चल रही थी। एक बस स्टैंड पर धीरज खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। धीरज ऑफिस में काम करता था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए धीरज आज जल्दी जाना चाहता था, लेकिन आज ही धीरज की बाइक खराब हो गई थी, इसलिए आज धीरज को और लेट हो गया। धीरज बस स्टैंड पर खड़ा वॉच को देखता है। ये क्या यार, 12 बजने में बस 20 मिनट ही देर है। आज रिद्धिमा मुझसे नाराज हो जाएगी। आज शादी की पहली सालगिरह है और आज ही के दिन मैं लेट हो गया। ये बस भी नहीं आ रही। 11:30 का टाइम रहता है लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। ये कहकर धीरज ने अपने लेफ्ट हार्ट पर नज़र डाला, जिसमें एक गिफ्ट था
जो धीरज ने अपनी वाइफ रिधिमा के लिए लिया था, और फिर घड़ी को देखकर उदास हो जाता है। अब बस 12 बजने ही वाले थे तभी एक तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। धीरज अब पूरा भींग चुका था। धीरज के आगे पीछे बहुत से लोग थे जो बस का इंतजार कर रहे थे। धीरज के सर पर अचानक बारिश की बूंदें गिरना बंद हो जाती हैं। धीरज ऊपर देखता है तभी वो देखता है कि एक आदमी जो कि काला कोट, काले जूते, काला चश्मा और काले ग्लव्स पहना था। धीरज उस आदमी का नेचर देखकर उसे हल्की सी स्माइल कर देता है। तभी वो शख्स कहता है, बारिश की तरह मौत का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, ना जाने कब आ जाए। ये सुनकर धीरज सकपका जाता है। तभी धीरज का फोन बजता है। धीरज फोन उठाने ही वाला होता है तभी धीरज का मोबाइल हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। धीरज जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी धीरज ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस आदमी के पैर नहीं थे, जूते और पैंट के कैप में कुछ भी नहीं था। धीरज आर पार साफ देख पा रहा था। ये देख धीरज चुपचाप अपना मोबाइल उठाता है। धीरज उस आदमी से दूरी बना दूसरे लोगों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज जैसे ही पीछे देखता है तो धीरज देखता है कि पीछे एक भी इंसान नहीं है, और रोड पर अभी जो एक तो ऑटो रिक्शा चल रहे थे वो भी दूर दूर तक नहीं थे। ये देख तो धीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। धीरज बिना देरी किए मोबाइल से रिधिमा को मैसेज पर अपनी लोकेशन भेजता है। मैसेज जैसे ही सेंड होता है तभी वो शख्स कहता है, रिधिमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही बिना देरी किए धीरज रोड की तरफ भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक भागते रहने के बाद धीरज पीछे पलटता है। रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देख धीरज की जान में जान आती है। धीरज चुपचाप धीरे धीरे चलने लगता है। धीरज अब बुरी तरह से भींग चुका था। तभी धीरज को एहसास होता है कि बारिश की बूंदें फिर से एक बार उसके सिर पर पड़ना बंद हो गई थी। ये एहसास धीरज की रूह तक को कपाने लगता है। तभी आहिस्ता से धीरज अपने साइड में देखता है तो धीरज की चीख निकल जाती है। ये देख कि वो शख्स उसके बिल्कुल पास था। धीरज फिर बिना रुके भागने लगता है। धीरज तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो बीच चौराहे पर ना पहुंच गया। तभी धीरज चौराहे पर पहुंचकर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। तभी धीरज को अपने सामने वही शख्स नजर आता है। धीरज उसको देखता है। वो आदमी अपना चश्मा उतारता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी और उनमें से खून बह रहा था। ये देख धीरज बहुत डर जाता है। तभी धीरज के कानों में बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज पड़ती है और बस की हॉर्न पड़ती है। धीरज पीछे पलटता है तो बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस को देख धीरज सामने देखता है। वो आदमी के शरीर के दो हिस्से हो गए थे और बीच में से खून बह रहा था। धीरज की आंखों के सामने वो आदमी का शरीर एक हिस्सा लेफ्ट में और एक हिस्सा राइट में गिरता है। ये देख धीरज चीखता है और बस की तरफ भागता है। भीड़ के बीच पहुंचते ही धीरज भी बस में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का लगने की वजह से वो बस के टायर के नीचे आ गिरा। धीरज इससे पहले कि खुद को संभाल पाता वो बस धीरज को दो हिस्से करके वहां से चली जाती है। मगर तभी धीरज के कानों में एक आवाज आती है, अरे भाई, ओ भैया, उठो जल्दी, आपके स्टॉप आ गया। धीरज नींद से जागता है। वो बस की सीट पर पड़े पड़े सपने देख रहा था। धीरज देखता है कि उसका स्टॉप आ चुका है और धीरज बस से नीचे उतरता है। बस उसे उतार कर वहां से आगे निकल जाती है। मगर तभी धीरज जब पीछे मुड़ता है तो उसके सामने वही आदमी काले कपड़ों में ठीक उसके सामने खड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।